आज देश का हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए मोबाइल सबसे जरूरी चीज बन गई है। मगर धारावी के लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि परिवार में एक मोबाइल इस्तेमाल होता है और वो भी माता पिता उसे काम पर लेकर चले जाते हैं, तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। इन्हीं परेशानियों को समझकर आज मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी के अध्यक्ष व धारावी के नगर सेवक हाजी बब्बू खान ने 650 बच्चों को मोबाइल वितरण करने का सराहनीय काम किया है। जहां इस मौके पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़, मुंबई कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सप्रा सहित कई मान्यवर इस दौरान मौजूद रहे। इनके उपस्थिति में आज 650 बच्चों को मोबाइल दिया, ताकि उन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए कोई दिक्कत ना आए और धारावी के बच्चे शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़कर एक अच्छे मुकाम हासिल कर सके। ऐसा है कि आपने आपके सवाल में उसका जवाब भी दिया है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने यह सोचा नहीं था कि शिक्षा का स्तर हमें इस तरह हमें उसको ये करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। किसी ने सोचा नहीं था कि पूरी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगी, पर कोरोना ने पूरे विश्व में जैसे हाहाकार मचाया है, उसके साथ साथ एक नए जरिए तैयार किए हैं। और मैं शिक्षा मंत्री वर्षाताई का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, उनकी सराहना भी करना चाहता हूं, बब्बू खान की मैं सराहना करना चाहता हूं कि जैसे धारावी जैसी जगह पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि वो हजारों रुपए का स्मार्टफोन खरीदे, और स्मार्टफोन के सिवाय ये शिक्षा अधूरी रहेगी। तो इस बात को जानते हुए आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, 650 ये मोबाइल आज बंटवारा हो रहा है, और उसके साथ साथ शिक्षा मंत्री ने तुरंत जाहिर भी कर दिया कि इसके बाद 1000 बच्चों को इस तरह का ये मोबाइल बंटवारे का कार्यक्रम होगा, 2 अक्टूबर सामने है। तो ये बहुत बड़ा योगदान। हम तो ठीक है, राजनीति तो अपने अपने ढंग से चलेगी, पर इस वक्त जो पीढ़ी हमारी सामने बैठी है, जो पढ़ नहीं पा रही है, इसके ज़रिए वो जब पढ़ती है, वो जब शिक्षा हासिल करती है और देश के सक्षम नागरिक होते हैं, इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। ये मेरी धारणा है, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ बब्बू खान जी को और वर्षाताई गायकवाड़ को कि उन्होंने ये सारे वार्डों में, रवि राजा ने भी अपने वार्ड में इस तरह के टैब बंटवाए, बाकी बहुत सारी जगह बंटवाए, पर ये काम जो खुद स्वयं हमारी मंत्री महोदया कर रही है, बब्बू खान कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई दे। सर एक सवाल और, महानगर पालिका जो है बच्चों में किताबें यूनिफॉर्म तो सब दे रही है, अभी हाल में महानगर पालिका ने किताबें और यूनिफॉर्म देने का शुरू किया है, तो सर पढ़ाई तो सारी ऑनलाइन हो रही है, तो
किताबें और यूनिफॉर्म का क्या मकसद है? नहीं, किताबें तो लगेगी जी, बिल्कुल। ऐसा है कि आपके पास स्मार्टफोन है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा सिलेबस आपके पास है। आपको सिर्फ स्मार्टफोन से क्या पढ़ाया जा रहा है वो समझ सकते हो। किताबें तो लगेगी, तो मेरे ख्याल से किताबें वो भंडार है, ज्ञान का भंडार है, तो वो तो लगेगी। रही बात यूनिफॉर्म की, बाकी सारी चीजें, ये चीजें इसलिए भी मायने रखती है, मैं बता दूं आपको, मुझे पता नहीं क्योंकि ये पहले कभी हुआ नहीं विश्व में, कहीं भी इस तरह का संकट हमने कभी देखा नहीं। हो सकता है कि बच्चों का एक टेंडेंसी हो रही है कि अभी स्कूल शुरू हो गई है, मैंने हजारों बच्चों से बात की, आपने भी की होगी, तो बच्चों की ये टेंडेंसी हो रही है कि हमको नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, ये सही नहीं है। कोरोना आज नहीं तो कल हम उसके ऊपर विजय पा लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये इनिशिएटिव कि घर में जो बच्चा बैठा है वो यूनिफॉर्म डाल के बैठेगा, तो कम से कम उसके जहन में ये बात रहेगी कि मैं स्कूल का बच्चा हूँ, मुझे, मैं स्टूडेंट हूँ। मेरे ख्याल से इसको इस तरह से देखना चाहिए और कोई तरीके से नहीं। बहुत धन्यवाद दूंगी हाजी बब्बू खान जी का, जिन्होंने आज लगभग 650 जो है वो मोबाइल बच्चों को यहाँ पे शिक्षा के लिए जो जरूरी लगने वाली चीजें, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था कि मोबाइल भी कभी शिक्षा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कभी मनोरंजन के लिए, कभी गेम खेलने वाली चीज मोबाइल हुआ करती थी, लेकिन आज कोविड की वजह से, कोविड की तीसरी लहर देखते हुए, अगर स्कूल शुरू नहीं होते हैं तो बच्चों का एजुकेशन में नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सोचते हुए हाजी साहब ने आज लगभग 650 मोबाइल दिए हैं, और मैं इसलिए उनका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिसके माध्यम से बच्चों तक शिक्षा पहुंचेगी, ज्यादा बच्चे इसमें फायदा इसका उठा सकते हैं। धारावी में इस तरह कई सारे प्रोग्राम होते हैं, कई बार टेप बांटे गए हैं और भी इस तरह के मोबाइल बांटे गए, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, क्या निवेदन करना चाहेंगे कि आगे ज्यादा ज्यादा शिक्षा में जुड़े, क्या करें? मैं बिल्कुल बच्चों को कहना चाहूंगी कि ये सब सुविधाएं हम उनके लिए दे रहे ताकि वो शिक्षा आगे बढ़ाते जाए और अच्छे से पढ़ते जाए। जैसा आपको पता है कि परसों भी हमने 200 जो है वो टैब 10वीं के बच्चों को जो है धारावी में छत्रपति शिवाजी विद्या मंदिर में बांटे। तो लगातार हमारी कोशिश यही है कि धारावी के बच्चों के पास कोई ना कोई चीज होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो शिक्षा उन तक पहुंचे, और अलग अलग उपक्रम अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से चल रहे, जिसमें से आज हाजी बब्बू खान जी ने भी आज 650 मुंबई में महानगर पालिका के ऐसे स्कूल का उद्घाटन किया गया है जहां पर बच्चों को अब उच्च दर्जे की शिक्षा दिया जाएगा जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है कि उनकी तरफ से वो हो रहा है, लेकिन हमारा स्टेट बोर्ड भी, जिसमें हम नया सिलेबस ला रहे हैं जिसको कर रहे हैं, हमारे स्टेट बोर्ड को भी हम बहुत, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी बदलाव हम लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमारा स्टेट बोर्ड ही इंटरनेशनल बोर्ड के लेवल का पढ़ाई चल रहा है। आप लोगों के माध्यम से खास करके मुंबई शहर के लोगों को बोलना चाहूँगा कि आज जिस तरीके का माहौल है, हमारी अगर कोई भी चीज़ में अगर तरक्की सबसे पहले अगर हो सकती है तो वो एजुकेशन से हो सकती है, अगर हमारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं तो हमारी एजुकेशन से हो सकती हैं, अगर हमको समाज में आगे बढ़ना है और जिस परेशानी का सामना हम लोग कर रहे हैं, इस परेशानी में अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो सिर्फ हमारे लिए अब एक ही विकल्प बचा है, एक ही रास्ता बचा है, वो है एजुकेशन, जो हम सही ढंग से ले लें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से कि हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और उनके हालात ऐसे हैं कि वो टैब, मोबाइल या आईपैड वगैरह नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे हालात पैदा हुए हैं। इसके लिए मैं खास करके धारावी में मेरे वार्ड नंबर 184 के इलाके से और भी इधर से काफ़ी इलाके से हम लोग ने कोशिश किया है कि जो ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो सिर्फ मोबाइल और टैब की वजह से वो नहीं पढ़ाई कर सकते, उनके लिए मेरी कोशिश है कि मैं 1000 बच्चों तक मैं ये टैब और मोबाइल पहुँचाऊँ। हमने आज ये कार्यक्रम किया, यहाँ आए हुए हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारी पूरी टीम का, माइनॉरिटी की टीम, हमारे मेरे वार्ड की टीम, हमारे सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन लोगों ने कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया है, क्योंकि सारे लोगों की एक ही इच्छा है कि लोग हर तरीके से उन लोगों की मदद करें, क्योंकि कोरोना काल के अंदर धारावी में जिस तरीके का माहौल था, उस माहौल में हमने देखा कि धारावी के लोगों ने ग्राउंड पे इतनी मेहनत किया कि सरकार की तरफ से मदद आए या ना आए, लेकिन हम लोगों ने, सबने मिलके, पूरी टीम ने, हमारी मैडम वर्षा ताई गायकवाड़ के आदेश के हिसाब से ही हम लोगों ने काम किया, और इतना काम किया कि हमको यहाँ पर सबसे पहले जीरो कहीं पर आया तो वो धारावी में था कोरोना काल में।
तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, खास करके मुंबईकरों को, जहाँ जहाँ लोगों की ज़रूरत है और ख़ास करके एजुकेशन के लिए, तो उन लोगों की मदद करें और मुझसे जितना हो रहा है मैं भी मदद करूँगा। और एजुकेशन को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा लक्ष्य हमको इसलिए और है कि हमारे इस इलाके से हमारी MLA वर्षा ताई गायकवाड़ खुद एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो यहाँ के लोग शिक्षा से महरूम ना रह जाएं, ये हमारी पहली जिम्मेदारी थी कि हम अपने लोगों को यहाँ पर मोबाइल या टैब, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हम दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने महानगर पालिका से भी कोशिश, महानगर पालिका के भी स्तर से अगर इस तरीके की चीज़ कहीं से और भी आने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ से भी मिले, वो भी हम अपने स्कूल के बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं नगर सेवक होने के नाते उसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से भी हमारे जो स्कूल के बच्चों को टैप कहाँ से कोई संस्थाएँ दे रही हैं, जैसे मैडम ने अभी बोला कि कोडक की तरफ से यहाँ 1000 बच्चों को टैप दिए गए, और आगे भी प्लान है कि और भी आने वाले हैं, तो जो ज़रूरतमंद हमारे बच्चे हैं हम उनको कोशिश कर रहे हैं। सर, ये कितना अब तक आपने मोबाइल बांटा और कहाँ से ये बच्चे आए थे, कितनी कैटेगरी आए, सब कुछ डिसाइड किया था आप लोगों ने? नहीं, हम लोगों का टारगेट है कि 1500 लोगों को हम लोग ये दें, और अभी हमारा ये पहला सेशन था जिसमें हमने 650 बच्चों को मोबाइल दिया। तो आने वाले दिनों में किस तरीके से, कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, पूरे धारावी से हैं, अलग अलग जगह से भी हैं? सबसे पहला काम था, मैं जिस इलाके से नगर सेवक हूँ वहाँ के लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी करेंगे, और उसके बाद में हम अपने इलाके से अगर बाहर निकले तो दूसरे इलाकों में भी जाने की कोशिश। जरूरतमंद बच्चे जो है उनको कैसे आपने सर्वे किया घर घर जाके और उनको यहाँ तक लाके उनको मोबाइल देने का काम किया? बब्बू खान को ये पहचानने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे यहाँ कौन ज़रूरतमंद है, क्योंकि मैं यहाँ पर रहा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, और मुझे एक एक घर का हालात मालूम है, और मैं एक एक घर पे जाता हूँ, इसके लिए मुझे लोगों को मालूम है कि किसको कहाँ पर तकलीफ है और मैं उसकी तकलीफें दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक एशिया का नंबर वन अगर देखा जाए तो स्लम इलाका है, यहाँ पर अगर तीसरी वेव की बात करें कोरोना का, तो उसको लेकर आप किस तरह जागरूकता अभियान चला रहे हैं या किस तरह लोगों को जागरूक कर रहे हैं? नहीं, अभी देखा होगा आपने, हमने ये कार्यक्रम किया तो हमने सबसे पहले उनको यहाँ पर बाहर सैनिटाइज़र के लिए बोला कि सारे लोग सैनिटाइज़र को यूज़ करेंगे, मास्क हमने टेबल पे रखा हुए हैं कि बगैर मास्क के कोई नहीं रहेगा, और ख़ास करके धारावी का डिसिप्लिन मैं बोलता हूँ ना कि पूरी दुनिया ने धारावी मॉडल करके हम लोगों को एक पुरस्कार दिया है, ये हमारे लिए एक पुरस्कार है कि WHO ने भी हमको बोला कि धारावी मॉडल, तो धारावी मॉडल अगर पूरी दुनिया में गया है तो आने वाली तीसरी वेव का भी हम लोग मुकाबला डट के करने वाले हैं, और धारावी इस चीज़ से नहीं बल्कि मुंबई भी इस चीज़ से बिल्कुल हटके हो जाएगी और हम लोग इससे महफूज रहेंगे। उसकी वजह यह है कि मुंबई कर पूरे के पूरे लोग जो हैं इस टाइम पूरी तैयारी में हैं, खास करके 60-70% लोग वैक्सीनेशन भी हो चुका है, तो आने वाली तीसरी वेव की जो बात चल रही है, जो तीसरा दौर आएगा, तो मुझे लगता है वो आएगा नहीं, शायद हम लोग उस जिस तैयारी में अगर सही ढंग से अगर हम लोग ने कोरोना का जो प्रोटोकॉल रहता है अगर उसको मैनेज किया तो। बब्बू खान जी, आपने वैक्सीनेशन की बात की, अगर मैं धारावी की बात करूं, जो पहली लहर थी जिस तरीके से उसने अटैक किया था धारावी पे, तो काफ़ी संख्या में जो जानी नुकसान जो लोगों का हुआ था, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस समय की अगर मैं बात करूं तो वैक्सीनेशन किस स्तर पर हो रहा है, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कितने परसेंट लोगों तक वैक्सीनेशन पहुँच चुका है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी कोशिश ऐसी रही है, मैडम वर्षा ताई को हम लोग पहले से इन्फॉर्म करते हैं और उनके ज़रिए से मैंने अपने वार्ड के स्कूल, वार्ड नंबर 184 में जो ट्रानिस्कैम म्यूनिसिपल स्कूल है, उसके अंदर आज पर डे का 2500 लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, और ये कार्यक्रम हमारी महानगर पालिका और जसलोक हॉस्पिटल की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने भी हमारी बहुत मदद किया है, मैं उनका बहुत थैंक्स बोलूँगा, और ख़ास करके हमारे जी नॉर्थ वार्ड के हमारे वार्ड ऑफिसर आयुक्त जो हैं हमारे, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद किया है। धारावी में सबसे ज़्यादा अगर कोई वैक्सीनेशन सेंटर में लोग आते हैं वो हमारे वार्ड नंबर 184 में जमा होते हैं, और मैं आपके माध्यम से लोगों को बोलूँगा कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ पिछले दिनों में रही है, लेकिन अब अगर किसी को भी वो वैक्सीन पहला डोज दूसरा डोज लगाना है तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वार्ड नंबर 184 के ट्रानिस्कैम म्यूनिसिपल स्कूल में आके अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं, उनके लिए फ्री में, कोई चार्ज नहीं, कोई भीड़ नहीं, वहाँ जाएं और जिस तरीके की मदद लगे मैं उनके साथ मदद करने को तैयार हूँ। उसके बाद क्या स्टेज है आपका?
आने वाले भविष्य में उसके बाद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे धारावी के स्थानीय लोगों के बारे में? मैं धारावी के लोगों को कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसे अपने लोगों को चुनो जो तुम्हारे बुरे टाइम पे तुम्हारे साथ खड़े रहें, जो तुम्हारी मदद कर सकें, जो तुम्हारा भला चाह सकें, ऐसा अपने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दिल से जो अच्छा लगे उसको चुन के लाएं। और हम लोगों की ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी कि हम लोगों तक जाएं और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। खुशी तो होती है क्योंकि कोई अच्छा काम होता है तो खुशी तो होती है, लेकिन हमने पहले ही दिन ये तय किया था कि जिस व्यक्ति को हम नगर सेवक बनाने के लिए खड़ा कर रहे हैं उससे अपेक्षाएं हैं, उससे हम उम्मीद करते हैं कि भाई ये आदमी खड़ा होगा तो हमारा कितना काम करेगा। और आज हम जब देखते हैं कि हमारी उम्मीदें पूरी हो रही है, क्योंकि मैं 40 साल से इन माइक के साथ खेल रहा हूँ, तो 40 सालों में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन आज दिल भर आता है कि जो वादे हमने किए वो हमने सिर्फ शब्दों में हमने नहीं प्रयोग किया, उसको करके दिखाया। और आज करके दिखाने का जो समय आया, जब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि जो वादे हमने किए वो वादे पूरे हो रहे, तो खुशी होती है। आपको कितना समय लगा ये कार्यक्रम को करने के लिए? ये कार्यक्रम की बुनियाद जब हमको बताई गई आदरणीय तो नगर सेवक ने कहा कि भैया ऐसा अपने को करने का है, तो उसकी रूपरेखा बनाई हमने कि कैसे बनाएंगे कैसे करेंगे। तो उसकी पहली शुरुआत ये थी कि फॉर्म भर के लेंगे, फॉर्म में हम उनकी पूरी जो भी जानकारी है वो भर के लेंगे, उसके बाद में फॉर्म को समझेंगे। जैसे एक भाई ने अभी सवाल किया था कि आपने कैसे निकाला ये ज़रूरतमंद है या नहीं है, तो वो फॉर्म ने हमें बताया। फॉर्म के अंदर जब पहला नंबर एड्रेस आता है तो एड्रेस से मालूम हो जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, तो झोपड़पट्टी में रहता है, चाली में रहता है, बिल्डिंग में रहता है, उससे उसका स्टेटस मालूम पड़ता है। और उसके बाद में हम इंक्वायरी करते हैं कि भाई ये बाबू भाई किस टाइप का आदमी है, तो हमको रिपोर्ट आता है कि बाबू भाई ये स्टैंडर्ड का है, तो उसको हम टिक करते हैं, उसको बाजू में रखते हैं। इस तरह से फॉर्म भर के हम लोगों ने पूरे लोगों को ईमानदारी से हमने ये काम किया है। अगर कोई ये कहता है कि भाई ये इनका वसीला उनका वसीला, तो जहाँ मेरा काम होता है, जहाँ मेरे हाथ में काम होता है, जहाँ बब्बू भाई मेरे को जिम्मेदारी देते हैं, उनको बराबर मालूम रहता है कि इसके बीच में कोई जा नहीं सकता है। थैंक यू।